बुलंदशहर में कल जो कुछ भी हुआ उस पर लगातार आज तक पर आप ये खास कवरेज देख रहे हैं। आपको हम बुलंदशहर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आज सुबह वहां पर क्या हकीकत है, लेकिन इससे पहले कल के दिन में जब हिंसा हुई उस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जिनके सर पर गोली लगी उनकी मौत हो गई घटनास्थल पर ही। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 25 पर नामजद FIR और 40 पर अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए हैं। बर्थडे पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। पापा चाहते थे मैं UPSC के लिए करूं और मेरा भाई एक बहुत अच्छा लॉयर बने। इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई। आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी? एक हेड्स अप दे दीजिए यार, कम से कम तो दुख होगा। परिवार गमजदा सदमे में, कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में पत्नी किस तरह से रो रोकर गुहार कर रही थी उसे देख पाना तक मुमकिन नहीं था। बहुत ही अच्छे इंसान थे। लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो पूछ रहे थे खाने में क्या खाया था। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए हैं। बर्थडे पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। सुरे, आपने बताया कि अभी पता लगा था कि पहले उनको धमकी आई थी काम ना करने। आती थी, इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। सुरे, आखिरी सवाल, कि अब आगे आप लोग कहाँ जा रहे हैं और कितने बजे इनका अंतिम संस्कार होगा? अभी हम गाँव जा रहे हैं, वहाँ पैतृक जमीन है, वहाँ पे करेंगे। तरगमा एटा में। सुरे, एक आखिरी सवाल मैं और करूँगा, आखिरी बार कब आपकी पिताजी से बात हुई थी और कब आपको उनके बारे में पता चला? मेरी परसों रात को हुई थी बात, और वीडियो कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे खाना खाया नहीं खाया, और मुझे पता चला, मैं मेट्रो से आ रहा था तो मुझे घर से फ़ोन आया मम्मी के पास से कि बेटा जल्दी घर आ जा, पापा को गोली लग गई है। तो आई वॉज लाइक आउट ऑफ शॉक, मैं गया भाग के घर। फिर उसके बाद मम्मी नीचे गाड़ी में ही आ गई थी, मेरा छोटा भाई चला के लाया था, और फिर हम सीधे भगा के लाए बुलंदशहर। सर, क्या बनाना चाहते थे आप लोगों को? आपके एक भाई और भी है शायद, छोटा क्या भाई बनाना चाहते थे आप दोनों लोगों को? पापा चाहते थे मैं UPSC क्लियर करूं और मेरा भाई एक बहुत अच्छा लॉयर बने। तो इनके बेटे को आप सुन रहे थे, बहुत सारी यादें इस वक्त मन में रह कर आ रही हैं, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि पिता के साथ जब आखिरी बात हुई तो क्या उन्होंने कहा था, क्या सपने अपने बच्चों के लिए देखते थे, परिवार के लिए देखते थे। लेकिन परिवार का दुख और सदमा तो इन तस्वीरों में और उनकी बातों में जाहिर ही है, लेकिन बहुत सारे सवाल कल जो कुछ बुलंदशहर में हुआ उस पर खड़े इसलिए भी होते हैं कि भीड़ इस कदर हिंसक हो गई, वहां पर फायरिंग की घटना हुई जिस पर सर पर गोली लगी और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। चित्राम जी, जहाँ पे चौकी पे वहाँ पे पथराव हो रहा था, तब पापा के हेड पे इंजरी हुई थी, जिस वजह से कोई चोट वोट लगी थी, सो ही वॉज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। फिर उसके बाद पापा को वहाँ पे जब वापस ले जाए जा रहे थे जो कॉन्स्टेबल थे, तो फिर से वहाँ पे जो पुलिस जीप थी उसके अंदर फिर से वहाँ पे गए, तो उधर वहाँ पे फिर से उन पे पथराव और गोलाबारी वगैरह हो रही थी। तो फिर उसके बाद जो कॉन्स्टेबल थे वो दोनों चले गए, एंड फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि
पापा को फिर वहाँ पे अनकॉन्शियस होते के साथ ही उन्हें लेफ्ट आई में ऊपर गोली मारी गई। एक अच्छा नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो कभी किसी रिलीजन के नाम पे कभी कोई उत्पाद ना मचाए, हिंदू हो धर्म, हिंदू धर्म हो मुसलमान धर्म हो से किसा ही कोई भी हो, सब एक हैं यहाँ। यहाँ मुझे बस ये सवाल पूछना है कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी। एक हेडसअप दे दीजिए यार, कम से कम तो दुख होगा। बुलाते क्यों नहीं साहब को, बुलाते क्यों नहीं सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये है कि क्या बुलंदशहर में कल जो कुछ हुआ वो कोई सोची समझी साजिश थी या फिर अचानक ही आग लग गई। कल की वारदात के दौरान होने वाली कई बातें ये शक पैदा कर रही हैं कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो जांच एजेंसीज को पता लगानी है। क्या बुलंदशहर का बवाल सुनियोजित साजिश था या फिर भीड़ अचानक से ही भड़क उठी? क्या सोमवार की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी या फिर पुलिस लोगों के गुस्से को भांप नहीं पाई? सवाल ढेरों हैं, जवाब सिर्फ एक, यानी जांच जारी है। लेकिन पुलिसिया तफ्तीश से अलग बुलंदशहर में लगी आग अपने आप में कुछ बातों की गवाही दे रही है। कुछ सवालों पर ही सवाल उठा रही है और कुछ जवाब हवा में खुद ब खुद उछल रहे हैं कि कोई आए और उन्हें दुनिया के सामने रखे। हंगामे के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पुलिस ने गोकशी की वारदात को ढकने की कोशिश की, जबकि पुलिस कह रही है कि घेराव करने वाले ग्रामीणों को FIR दर्ज करने का भरोसा दिया था। हंगामे के पीछे ये तर्क भी दिया जा रहा है कि पुलिस की गोकशी के आरोपियों से मिलीभगत थी, जबकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि FIR दर्ज किए जाने के दौरान ही उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। एक जगह पे गोकशी के बाद उसके अवशेष जो हैं वो मिले हैं और तुरंत जो है वहाँ मौके पर SHO पहुँचे थे और मैजिस्ट्रेट साइड से भी तहसीलदार वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने उसमें कानूनी कार्रवाई उसकी प्रारंभ करी थी, उसको इकट्ठा करके और FIR वगैरह दर्ज करने के लिए सारी तैयारी चल रही थी। इस बीच में कुछ जो है आक्रोशित लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत सिर में गोली लगने से हुई। चौकी के बाहर हो रहे बवाल के वीडियो में भी कुछ लोग तलवार लहराते साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या ये वाकई गोकशी के बाद भड़का आम लोगों का गुस्सा था? अगर ऐसा ही था तो फिर भीड़ में हथियारबंद लोग कहां से आ गए? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के सिर में गोली किसने मारी? क्राउड जो थी वो आर्म थी, उनके पास असलाह था, पत्थरों से भी हमला किया है, कुछ धारदार चीजें भी थी जिससे उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश करी थी जाम लगाने के लिए, तो उनके पास हथियार थे, है ना, और उन्होंने हमला किया है, ये बात भी बिल्कुल सच है। फायरिंग करी है उन्होंने, मतलब पुलिस पर। अब ये सब बात सामने आ जाएगी, इंस्पेक्टर को भी ये गोली लगी है तो निश्चित रूप से फायरिंग हुई है, तभी लगी है। सवालों की आंच को धीमा करने के लिए योगी सरकार की SIT दो अलग अलग मामलों की जांच करेगी। पहला तो सयाना कस्बे में हुई गोकशी की वारदात की और दूसरा उस बवाल की जिसमें इंस्पेक्टर की जान चली गई। दोनों घटनाक्रम जो दोनों केसेस हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक SIT गठित की गई। एक तो गोकशी वाले इंसिडेंट की जिसकी FIR की गई 11 बजे वाले जो घटना थी उसकी, और जो 12 से 1:30 के बीच में जो उपद्रव हुआ है, दोनों केसेस अभी रजिस्टर किए जा रहे हैं। एक और थ्योरी को भी तेजी से हवा दी जा रही है, वो ये कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ग्रेटर नोएडा के अखलाक हत्याकांड के पहले जांच अधिकारी थे। आरोप लग रहे हैं कि उनकी हत्या का कनेक्शन 2015 के इस केस से है। जी, ये कहा जा रहा है कि अखलाक मर्डर केस में ये गवाह थे, IO थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। तब तो SIT की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस है, बुलंदशहर की वारदात सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक हुई घटना?
प्रशासन कह रहा है कि एसआईटी जांच में इसकी परतें भी उतरेंगी। एसआईटी की जांच में ये बात बिल्कुल साबित होगी कि ये प्लान था, प्री प्लान था या स्पॉन्टेनियस था या किस तरीके से लोग वहाँ पे आए थे, ये पूरी बात जो है सामने आएगी। अभी उसको मतलब कुछ भी कहना एक प्री जज करने के जैसा होगा और एक प्रिजुडिस करने को के जैसा होगा पूरी जांच प्रक्रिया को, वो करना ठीक नहीं होगा। फिलहाल सूबे के मुखिया यूपी से बाहर है और सरकार अफसरों के हवाले है। अब देखना है कि सरकार के दामन पर पड़ रहे छींटों को अफसर कैसे साफ करते हैं। तनुश्री और अरविंद ओझा के साथ मुकुल शर्मा, बुलंदशहर आज तक। तो यही सबसे बड़े सवाल इस वक्त नहीं, कल जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ या फिर एक सुनियोजित साजिश ये थी। हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और निशांत सीधे आपके पास इसलिए भी आएंगे क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि वहां मौजूद हैं इस सुबह में आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस वहां पर कर रहे हैं, इस पर जानकारी दें। देखिए सीधे मैं दिखाऊंगा आपको, जो कैमरा है वो यहाँ पर अगर पैन करे तो ये सब देखें। यूजुअली हम ऐसी चीजें नहीं दिखाते हैं लेकिन अभी इसको दिखाना इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि ये जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर एक तरफ ये है जो इकट्ठा कर दिया गया मलबा जो उपद्रवियों ने यहाँ पर तबाही मचाई, और दूसरी तरफ वो पुलिस स्टेशन है, वहां पर देखें आप चिंगरावटी का पुलिस स्टेशन। हम ये दोनों तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये चलती सड़क है जिसके इस पार मेरे कैमरामैन किशन और मैं खड़ा हूं और सब कुछ सामान्य हो गया है, मतलब दुकानें खुल गई हैं, सड़कें चल रही हैं, बसेस में लोग जा रहे हैं, सब कुछ सामान्य हो गया है। एक समुदाय विशेष का कार्यक्रम था यहां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर और यहां पर हंगामा खड़ा होता है, ऐसा लगता है पूरा हाईवे इस इलाके को ब्लॉक किया गया, ऐसा लगता है जिस तरीके से उसको स्ट्रेटेजाइज किया गया, भले ही ये कहा जाए बार बार कि ये साजिश नहीं थी, लेकिन ऐसे सुनियोजित तरीके से जब चीजों को अंजाम दिया जाए, ये देखें एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, तो क्या आप इसको साजिश से कम समझेंगे, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, कैमरामैन मेरे किशन जो है मैं उनको बोलूंगा थोड़ा इस तरफ प्लान करें, सवाल नंबर दो और वो सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी अभी एसएसपी साहब से हमारी बात हुई है, एक एक चीज वीडियो में कैप्चर हो गई, एसएसपी साहब केवी सिंह साहब यहां पर गए, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद उनका हम बाइट भी चलाएंगे, उनसे हमारी बातचीत हुई, यहां पर आए थे और इस चौकी पर जब वो आए थे तो हमने उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा कि क्या आपने चिन्हित किया है, उन्होंने कहा कि 10 लोगों को चिन्हित किया है। इतना उपद्रव, इतनी तबाही 10 लोग नहीं मचा सकते, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक पुलिस वाले की जान चली जाती है उसको लेकर अलग अलग थ्योरीज आ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी यह है कि पुलिस वाले के ऊपर हमला किया गया, और पुलिस वाले के ऊपर हमला करने का मतलब क्या है कि क्या कानून का खौफ खत्म हो गया, क्योंकि मैं ये बार बार चीज, कल भी हम लोग जब वहां पर थे हम लोग ऑफिस में ये जिक्र कर रहे थे, सीतापुर में एक महिला जाती है उसको जिंदा जला दिया जाता है पुलिस के पास, पहले पुलिस कंप्लेन नहीं लेती है, फिर बाद में उसको जिंदा जला देते हैं। अब ये जो तस्वीर आई है पुलिस वाले के ऊपर हमला किया जाता है, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा उस समुदाय विशेष का वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, अभी जब आ रहे थे तो एक जगह है वहां पर रास्ते में मेरे कैमरामैन किशन से पूछा, गलौटी जगह थी, गलौटी वहां पर, हाँ वहां पर मौजूद थे, वहां पर भीड़ निकल रही थी उन सारे लोगों की और सब शांत हो गया, यानी कि क्या ये एक एक तरीका था कि किस तरीके से माहौल को गरमाया जाए, ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन जवाब कौन देगा, मुख्यमंत्री तो वहां पर ओवैसी को चैलेंज कर रहे हैं, ये अपने आप में एक और सवाल है, उनके प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, हम यहां पर मौजूद हैं लेकिन वो वहां पर ओवैसी को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मीनाक्षी हमारे सामने है, लेकिन मैं हाँ कुछ चीजें आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये है वो पुलिस चौकी, और आज बताया जा रहा है कि वो जो इंस्पेक्टर साहब जो हैं पुलिस ऑफिसर उनको उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ये देखें आप ये यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन हाँ अब सिर्फ मीडिया और पुलिस ही चीज़ें बातचीत कर सकती है, क्योंकि ये देखें सड़कें चल रही हैं यहाँ पर, आगे से अगर इस इलाके में थोड़ा सा आगे जाइए, आगे जाके एक राइट टर्न आता है, थोड़ा सा हम उतना दूर तक आपको नहीं ले जा पाएंगे लेकिन हाँ आगे जाके राइट टर्न आता है, ये देखिए आप देखें किस तरीके से तो तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों के शीशे वीशे सब आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे जाके राइट टर्न है, और राइट टर्न से जब आप अंदर जाएंगे तो वहां से वो उपद्रव शुरू हुआ, वहां पर ही जो पुलिस ऑफिसर है उनके ऊपर हमला किया गया, तो ये एक अपने आप में चीजों को समझने वाली बात है कि आखिर ये यहाँ पर ये देखें आप ये इस तरफ थोड़ा सा इस तरफ मुड़िए, ये पुलिस स्टेशन है जहाँ पर काफ़ी उपद्रव हुआ, अगर मैं आपको बताऊँ बीच में सड़क पे भी ना
कई जगह ऐसा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो थोड़ा इस तरफ आइए, सड़क पे भी कई जगह ऐसे वो निशान दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। यहाँ पर ये जीप को देखिए, किस तरीके पुलिस की जीप थी जिसका नुकसान पहुँचाया गया है, ये एक टेम्पो कैरियर था जिसका काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम बार बार इस ओर जिक्र करें कि क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी थी, क्या इसके पीछे प्लानिंग थी, तो हर चीज़ में टाइमिंग सबसे ज़रूरी है, और इसकी टाइमिंग ये इंडिकेट करती है, ये इंगित करती है कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। अलग अलग संगठनों के नाम आ रहे हैं जिससे पुलिस बच रही है नाम लेने में, अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं जिसका नाम पुलिस सामने नहीं ला रही है, और सबसे बड़ी बात है कि 10 लोगों को चिन्हित किया गया। ये 10 लोगों का काम नहीं है जो तबाही आप देख रहे हैं। बैक टू यू मीनाक्षी। सवाल है निशांत, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन जिन सवालों को आपने वहां ग्राउंड से हमको दिखाया, हम आपको चश्मदीद की बात यहां पर सुनवाते हैं, क्योंकि जिस वक्त सैकड़ों की भीड़ ने बुलंदशहर की चिंगरावटी पुलिस चौकी पर हमला बोला, उस वक्त वहां पर मौजूद कई पुलिसकर्मियों में से एक सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार भी थे। पथराव में सुरेश कुमार को चोट आई, घटना के वक्त क्या मंजर था, ये सब आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। आज तक के कैमरे पर उन्होंने ये बयान दिया है। कहाँ थे उस वक्त आप और कैसे आपको चोट लगी? हम यही चौकी के सामने थे जहाँ पे जाम लगाए थे लोग, वहाँ उस समय पथराव हुआ तो मुझे चोट आई थी। अच्छा, उस वक्त जो सुबोध कुमार इंस्पेक्टर थे वो कहाँ उस वक्त मौजूद थे और उन पर कैसे हमला हुआ, कुछ देख पाए हो? नहीं, इस भीड़ में जैसे पथराव हुआ तो देख नहीं पाए, क्योंकि तितर बितर हो गए, चारों तरफ से पथराव होने लगा था। अच्छा, तो इसीलिए देख नहीं पाए किधर से पथराव उनके ऊपर हुआ था। अच्छा, आप क्या इसी पुलिस चौकी में? तो मैं भी हूँ। जब सुबोध जी पर अटैक हुआ तो पहले क्या पुलिस चौकी पर अटैक हुआ, कैसे उन पर हमला हुआ? उन लोगों ने पथराव किया, पत्थरबाजी शुरू की उन लोगों ने। अच्छा, हम लोगों के ऊपर, हमने दो लोगों को दौड़ा। तो कल के उस खौफनाक मंजर को लेकर यहाँ अपने अपने कड़वे अनुभव तमाम चश्मदीदों के पास भी हैं। बुलंदशहर से हमने आपको ताजा ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई ब्रेक से पहले। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने वहाँ के SP KB सिंह से बात की, क्या उन्होंने कहा घटनाक्रम में, सुनिए। तफ्तीश चल रही है, जो भी इसकी इनकी बात है तफ्तीश से हमारे पता चल रहा है। अरेस्टिंग कितनी है अभी? इसमें हमारे अरेस्ट हमारे अभी एक कर अभी इसमें अरेस्ट हमारी लगातार प्रयास चल रहा है अभी तक। अभी हमारी जो है दबी से जारी है, कितनी है सर? अभी इसकी गिरफ्तारी कौन कौन है अभी इसकी भी हम गिरफ्तारी की जो है एग्जैक्ट संख्या भी आपको सर कहीं ना कहीं बुलंदशहर पुलिस पर भी लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं, इसलिए आप बताइए ना सर कितनी गिरफ्तारी पुलिस पे जो भी है, कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, पुलिस से तत्पर कार्रवाई की जा रही है, अपनी जान दे देता है। जो भी मामले हैं इस मामले में हम बड़े सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 40 किलोमीटर दूर 15 लाख के करीब दूसरे समुदाय के लोग थे, यहाँ पे साजिशन इस हाईवे को ब्लॉक किया गया ताकि यहाँ से लोग ना जा सके, ये आपकी जाँच में आ रहा है? अभी हमारी अभी योजना चल रही है, इसके बारे में जो है हमारे अभी और तथ्य आने बाकी हैं। सर सुबोध कुमार जी का जो है अखलाक वाले मामले में भी आईयू रहे, तो क्या उससे भी कुछ नहीं, वो प्रकट चुके हमारे संज्ञान में। परिवार काफी दुखी है क्योंकि आप उनको इत्तला नहीं किया गया सुबह तिरंगे नहीं लपेटा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सब, हमसे बात हुई है उनकी। अब हम सभी लोग जो है पूरा पुलिस परिवार, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस, तो परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया फिर? जांच के बाद ही तस्वीर और साफ होगी, इस बात का जिक्र करते हुए आप SSP को यहां सुन रहे थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।